मैं दीपमाला वर्मा, मैं बनकटा ब्लॉक की रहने वाली हूँ और मैं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के, मैं डिजास्टर टीम की मास्टर ट्रेनर हूँ। और ये इसके पहले गांव स्कूल में चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री जी द्वारा ये अभियान है, ताकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चलाया गया मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत इसके पहले जो ट्रेनिंग हुआ है वो हाई स्कूल इंटरमीडिएट क्लास के बच्चे, कंपोजिट विद्यालय के बच्चे, प्राइमरी विद्यालय में ये सारी ट्रेनिंग हुई है। लेकिन हमारे यहाँ जो 17 तारीख से ट्रेनिंग चल रहा है वो गांव में है, समुदाय आधारित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का ट्रेनिंग चल रहा है, जो कि आज मैं भागलपुर ब्लॉक के चित्रपुरा गांव में उपस्थित हूँ। और मेरा यही उद्देश्य है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाए गए अभियानों को और चलाए जा रहे हैं, यहाँ मैं मास्टर ट्रेनर के रूप में हूँ, ये सारे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं, हम उनको इस तरीके के बचाव बताएंगे कि हम लोग आग लगने पे आफा तफरी कैसे मचाते हैं, एक छोटी सी आग भीषण संख्या कैसे बदल जाती है, अपना भीषण रूप कैसे ले लेती है, भूकंप आता है हम लोग आफा तफरी करते हैं, हजारों की हजारों जान चली जाती है, उस पर चर्चा करूंगी, आग लगने पे चर्चा करूंगी, सर्पडंस के बारे में चर्चा करूंगी और आकाशीय बिजली के बारे में चर्चा करूंगी, जो हमारे यहाँ आकाशीय बिजली से किसी की मौत होती है, तो वहीं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्यालय व कलेक्ट्रेट में फर्स्ट रूम पे है, जो कि वहाँ से 5 लाख की सहायता योगदान दी जाती है। अगर उस 5 लाख के लिए हमें कुछ करना है तो सबसे पहले हम उन पीड़ित परिवार के घर जाएंगे, उनकी पहले हम खबर लेंगे कि कैसे क्या हुआ है, कैसे दुर्घटना हुई है, और सबसे पहले हम उनका पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। और ये सारी जानकारियाँ देते हुए और हम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय देवरिया में भेजेंगे और वहाँ से अपनी पूरी रिपोर्ट लग जाने के बाद ये 3 माह के अंदर 5 लाख रुपये की सहायता योजना दी जाती है। ऐसा कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन कोई लाभ नहीं ले पाता है सर, क्योंकि जागरूकता नाम की चीज नहीं है। अब उसी को जागरूक करने के लिए स्कूल में भी ट्रेनिंग कराया जा रहा है और उसके बावजूद गांव के भी लोगों को बताया जा रहा है कि आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हो उससे जानकारियां मिल सके, अगर स्कूल में नहीं पढ़ते हैं तो उनके अभिभावकों को ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार वो जानकारियां मिल सके। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि नहीं रोटी की तो दाल रोटी की तो चलेगा ना, कि दाल रोटी की तो व्यवस्था हो जाएगी ना, अरे घी मलाई ना मिले, सादी रोटियां भी तो टाइम से मिलेगा ना उनको, कोई देगा 5 लाख रुपए? कोई नहीं, कोई नहीं। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो चलाया गया अभियान है और उन लोग की सहयोग जो राशि है वो देने के लिए है, ये जानकारियां अगर आप तक पहुंच सिग्नेचर होगा तो कितने का बना? पूरे 5 लाख का बना। और वही जब जांच से वो हम लोग कर्म करके खा सकते हैं, लेकिन वो कोई भीख नहीं देगा, लेकिन जिस परिवार में 5 लाख रुपए मिलेगी, आप लोग अगर सड़क पर बैठकर हाथ फैला कर मांगेंगे तो कोई 100 में से 2 दे देगा 5 रुपए, लेकिन उसमें से और सारे लोग नहीं देंगे, क्योंकि हम सभी के पास या फिर किसी कारणवश तालाब में डूबने से मौत हो जाती है, वज्रपात, आकाशीय बिजली से मौत हो जाती है। मैं प्रधान जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आए दिन ऐसी घटना हो तो आप राज्य आपदा प्राधिकरण यानी DDM में देवरिया जिला कलेक्ट्रेट आपको पैसा लगा दिए सबको आगे आगे दीजिए।